Assalamu alaikum, my dear students. This is Nazir sir, your mathematics teacher, and I hope you all will be well. So today we have to solve exercise 16b and question number 8 first. Question number 8 is, what is the altitude corresponding to the side of length 8.5 cm in a parallelogram? So hamare paas ek figure hai. This figure is parallelogram given here. ये पैरेललोग्राम है. आई विल नेम दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्वेश्चन सेज इज दैट व्हाट इज द आल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड. अगर ये साइड है और इस साइड पर यहां से मैं एक आल्टीट्यूड ड्रा कर रहा हूं, ये आल्टीट्यूड है जो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाता है. अगर इस साइड की लेंथ 8.5 सेंटीमीटर है and the area of whole parallelogram is 34 square centimeters, तो बताइए इस altitude की height कितनी होगी. तो ये हमारा question है. तो हम इसके solution में लिखेंगे, we have, देखो बेटा मैंने इसे पहले भी आपको बता दिया, जो side दिया होता है, जिस side पर altitude fall होता है उस side को हम base कहते हैं. तो we have base of parallelogram here. बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. ऑल्सो और क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 34 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. तो पैरेललोग्राम का एरिया किससे कैलकुलेट करा जाता है, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, एंड दिस इज इक्वल टू 34 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. बेस इज 8.5 एंड ऑल्टीट्यूड वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है. दिस इज इक्वल टू 34, सो देयरफॉर ऑल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 8.5. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 8.5 1000, 8.5 4000, 4 5000 20, कैरी गई 4 8000 32 एंड जगह 34, सो ये 4 होता है. सो ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. क्वेश्चन नंबर 9, अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 64. देखो बेटा ये एक स्क्वायर है. क्वेश्चन में हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल दीज फोर साइड्स. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, वी हैव व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. क्वेश्चन में स्क्वायर का पेरीमीटर लिखा है, हाउ मच इट इज 64 सेंटीमीटर्स. 64 सेंटीमीटर, बट एज पर फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू साइड 64 के बराबर है. देयरफॉर साइड किसके बराबर होगा, साइड इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4. 4 16 इज आर 64, सो 16 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड. नाउ एरिया, तो अब एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड. तो साइड कितना है, 16 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज एज इंटू 16 सेंटीमीटर. 16 इंटू 16 इज 256 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमें सॉल्व करना है. आप बिल्कुल इसी तरह इन वीडियोस को वॉच करते रहना, और अगर कहीं पर कोई चीज जैसे मिस होती है ना वीडियो में, यहाँ पर कोई सामने नहीं होता है जो बताएगा सर यहाँ पर गलत लिखा है, तो जो ही आप वीडियो वॉच करेंगे और यू विल फाइंड एनीथिंग रॉन्ग देयर, प्लीज कॉल मी दैट टाइम एंड आई विल मेक दैट करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. अ फादर विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट हिज 2 हेक्टेयर फील्ड. तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल एरिया ऑफ फील्ड. फील्ड का टोटल एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर.
2 हेक्टेयर। तो मैं बता दूंगा एज 1 हेक्टेयर, ये नया यूनिट है यहां पर हेक्टेयर, आप याद रखना, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। देयरफॉर 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2 × 10,000, दैट इज इक्वल टू 20,000 स्क्वायर मीटर्स। ये एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड है। एंड ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एरिया ऑफ फील्ड अमंग हिज 4 चिल्ड्रन इक्वली। हाउ मेनी आर्स विल ईच सन्स प्लॉट मेजर। तो फिलहाल हम आगे इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग द एरिया इज डिवाइडेड। बताइए वो चिल्ड्रन कितने हैं जिनमें ये एरिया डिवाइड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर शेयर ऑफ ईच, तो हर एक का कितना हिस्सा बनेगा, टोटल उसके पास था 20,000 और इसको डिवाइड करना है 4 में, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 एंड देयर विल बी दीज 3 जीरोस। सो शेयर ऑफ ईच इज इक्वल टू 5,000 स्क्वायर मीटर्स। लेकिन इसने पूछा है आप बताए व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच सन इन आर्स, ये आर जो है ये एक और यूनिट है। एज 1 आर इज इक्वल टू 1,000 100 स्क्वायर मीटर्स। 1 आर का वैल्यू होता है 100 स्क्वायर मीटर, मीन्स 1 आर। Therefore, ये 5,000 स्क्वायर मीटर कितने हो गए, Therefore, 5,000 स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू 5,000 / 100। 100 and 2 zeros विल कैंसिल, इट इज 50 आर्स। सो एक हेंस द शेयर ऑफ ईच सन, तो हर एक बच्चे का शेयर बनेगा इसमें 50 आर्स, हर एक का हिस्सा 50 आर आएगा। ये आर जो है दिस इज द यूनिट ऑफ द एरिया, ये एरिया का एक यूनिट है। और 1 आर कितना होता है 100 स्क्वायर मीटर्स। हेक्टेयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एरिया एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, इसको भी याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर 11 इज द एरिया ऑफ ए ट्रेंगुलर फ्लैग विथ 2 equal sides इज 2,700 स्क्वायर मीटर्स। वट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग टू द थर्ड साइड विच इज 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो चलिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। I will show the figure of question number 11, what the figure says, what the question says here, question number 11, ये कहता है कि if there is a triangular field, flag, this triangular flag is, say ABC, in which these two sides are equal. Altitude is drawn from the tip of this flag to the third side, ये तीसरा साइड है जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो बताइए ये कितना होगा, what is the perpendicular distance, ये perpendicular distance कितनी होगी। तो हम इसके solution में लिखेंगे we have, हमारे पास क्या है, base of triangle। मैंने कहा ना जिस साइड पर अल्टीट्यूड फॉल करता है उसको हम बेस कहते हैं। वी हैव बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2,700 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। बट ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इट इज, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड।
That is therefore half of base into altitude is equal to 2700. Half of इसका बेस कितना है 60 into altitude is equal to 2700. 230s are 60. So altitude is equal to 2700 divided by 30. 0 will cancel with 0. 39s are 27. Hence altitude मतलब हो गया perpendicular distance. Hence perpendicular distance between tip और base के बीच में जो perpendicular distance है that is equal to 90 centimeter. This was question number 11. Now it is question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ रहा हूं, आप बेटा अपने अपने बुक से देखना. व्हाट द क्वेश्चन इज, अ गार्डन इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. गार्डन क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस तरह है राइट ट्रायंगल, इस शेप का एक गार्डन है. हैज एन एरिया ऑफ 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये जो राइट ट्रायंगल है ना, ये यहां पर 90 डिग्री एंगल होता है. तो राइट ट्रायंगल में ये साइड बेस होता है, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस वन इज कॉल्ड आल्टीट्यूड. ये याद रखना, आल्टीट्यूड हो गया जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, और बेस हो गया जिस पर ये 90 डिग्री एंगल बनता है. तो ये क्वेश्चन कहता है इट इज एरिया इज 72 स्क्वायर मीटर्स इफ टू साइड्स कंप्राइजिंग द राइट एंगल्स आर इक्वल. जो दो साइड राइट एंगल बीच में लेते हैं ना, ये दोनों बराबर हैं, जितना ये है उतना ये भी है. व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दीज साइड्स, तो बताए इन दो साइड्स की लेंथ कितनी होगी. मैं इसके सॉल्यूशन में लिखता हूं, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड कंप्राइजिंग राइट एंगल बी एक्स मीटर. मान लीजिए जिनके बीच में ये राइट एंगल आता है ना, उन उनमें से हर एक साइड की लेंथ एक्स मीटर है. ये भी एक्स और ये भी एक्स, बेस इज एक्स एंड ऑल्टीट्यूड इज एक्स. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस into altitude, that is equal to half of x into x. But area of triangle is already given there, 72 square meters. Therefore half of ye bhi area hai, x into x is equal to 72. X into x means x square is equal to 72 into 2. ये यहां पर 2 डिनोमिनेटर में था, डिवाइड था. जब मैंने इसका साइड चेंज किया तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s are 4, 2 7s are 14, 144. एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स, जब एक तरफ से स्क्वायर खत्म दूसरी तरफ से स्क्वायर रूट शुरू. या अगर स्क्वायर रूट आपको समझ नहीं आएगा तो मैं लिख रहा हूं इसको, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12, बिकॉज 144 को एक ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये सेम नंबर का प्रोडक्ट बनेगा 12 इंटू 12. दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 मीन्स 12 स्क्वायर, क्योंकि हमने वहां पर स्क्वायर पहले ही हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. व्हेन बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड. यह 12 पावर 1 या 12 पावर 1 तो हो गया ना 12 स्क्वायर. ये स्क्वायर दोनों तरफ खत्म, तो एक्स का वैल्यू आएगा 12. तो एक्स हमने क्या रखा है, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड कंप्राइजिंग राइट एंगल बी एक्स मीटर. तो एक्स का वैल्यू
12 आता है तो दिस इज द आंसर, दिस कुड बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 13 इज द एरिया पैरेललोग्राम इज 420 स्क्वायर मीटर्स. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स. तो ये मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको क्वेश्चन, फिर आपको ये इजी लगेगा सॉल्व करना. तो क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव अ पैरेललोग्राम. सी माय डियर, दिस इज पैरेललोग्राम. क्वेश्चन सेज दैट एरिया पैरेललोग्राम इज 420 स्क्वायर मीटर्स. ये पैरेललोग्राम का एरिया है. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, अगर इन दो पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये है ना पैरेलल आपस में, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर ये डिस्टेंस कितनी है, इफ द डिस्टेंस इज 15 मीटर, ये 15 मीटर है, तो बताइए ये पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या होगी. देखो बेटा, इस पैरेलल साइड को हम बेस कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसी पर एक अल्टीट्यूड मैंने ड्रा किया है. तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 420 स्क्वायर मीटर्स. देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम की फार्मूला है बेस इनटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 420. बेस इज इंटू ऑल्टीट्यूड का वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 420. सो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 15. 5 3s are 15, 5 8s are 40, इधर इज गई हम वो 5 4s are 20, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इधर इज गई हम 3 8s are 24. तो ये वैल्यू आ गया 28. हेंस द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, ईच पैरेलल साइड इज इक्वल टू 28 मीटर्स. दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज इफ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज 7 मीटर एंड इट इज एरिया इज 210 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो लास्ट क्वेश्चन मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बेटा आप पूरी तरह से इसको वॉच करना एंड यू विल फाइंड अ वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन. अगेन वी हैव अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 14 है. फिर से मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहा हूं. ये है पैरेललोग्राम. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 मीटर्स. तो इन सारे साइड्स का सम जो है, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना दिया है इसने, 140 मीटर्स. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज 7 मीटर. देखो बेटा, ये साइड और ये साइड के बीच में डिस्टेंस एक मानता हूं, ये परपेंडिकुलर होता है, इट इज 7 मीटर डिस्टेंस एंड इट इज एरिया इज 210 स्क्वायर, टोटल एरिया 210. फाइंड द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो बताइए ये साइड और ये साइड कितना होगा. फिलहाल मैं लिखता हूं एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 210 स्क्वायर मीटर्स. देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम की फार्मूला है बेस इनटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 210. बेस का वैल्यू पता नहीं है हमें, बट वी नो अल्टीट्यूड इज 7 विच इज इक्वल टू 210. देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 7. 7 3s are, सो द वैल्यू ऑफ बेस इज 30 मीटर. देयरफॉर
अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी रखता हूं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, इज इक्वल टू 30 मीटर. ए बी और सी डी का वैल्यू 30 मीटर होता है. लेट बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है. एज पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर कितना दिया है इसने, 140 मीटर्स. तो मैं पेरीमीटर के लिए आपको बता रहा हूं, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल दीज फोर साइड्स. तो पहला साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 140. ए बी इज वी फाउंड इट 30, प्लस बी सी हमने रखा है एक्स, सी डी अगेन 30, प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 140, विच इंप्लाइज एज 30 + 30 - 60 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 140. 2x इज इक्वल टू 140 - 60 विच इंप्लाइज एज 2x इज इक्वल टू 140 - 60 = 80. एक्स इज इक्वल टू 80/2, 240 आर, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 40. हेंस बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर. तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ 30 एंड 40 आता है. इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दीज वर क्वेश्चन नंबर 8 to 14. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह कल हम नए एक्सरसाइज पढ़ेंगे 16C, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.